नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत है हमारे चैनल राइडो फाइव में, जिसमें कि हम आपको बताते हैं ऑल अबाउट बाइक्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया हमारे राइडो फाइव के बारे में कि हम उसमें क्या क्या चीज़ों में डील करते हैं, किस किस तरह की कस्टम बाइक्स हम बनाते हैं, कौन कौन सी कस्टम एक्सेसरीज आप ऑन ऑर्डर हमसे बनवा सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में बताई और थैंक यू सो मच, आपने उसको इतना प्यार दिया, इतना सराहा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, आप उसको वीडियो को अभी क्लिक करके देख सकते हो। आज की वीडियो भी कुछ स्पेशल होने वाली है, ये एक डिटेल्ड वीडियो है एक बाइक के ऊपर जो कि हमने बनाई है, जो कि हम पहले भी आपको कुछ सिमिलर बाइक दिखा चुके हैं, लेकिन ये जो बाइक है उससे इंस्पायर्ड बाइक है, उस तरह की बाइक है। इस बाइक का नाम मैं बताऊंगा आपको बाद में, पहले आप इंजॉय कर लीजिए इसके सिनेमैटिक्स को, बाद में बताऊंगा इसकी डिटेल के बारे में, और सबसे एंड में मैं बताऊंगा कि क्या इसका प्राइस है, कितना इसमें समय लगा और कैसे आप घर बैठे बैठे अपनी इस बाइक को मॉडिफाई करवा सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए पहले ये सिनेमैटिक्स। दोस्तों, देखिए आपने बाइक कैसी लगी, आपको ये बाइक आई एम श्योर कि आपको बाइक पसंद आई होगी। बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ यार, इनसाइड मास्क आई एम श्योर कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये है और हमने ये बाइक बनाई है एक थंडरबर्ड मॉडल के ऊपर। आइए मैं आपको शुरू से इस बाइक के बारे में बताता हूँ, इसकी डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। इसमें टायर फिट किया है वो है 110/90/19 का, जो कि एक ब्रॉड टायर है, और यूजुअली ये टायर काफ़ी गाड़ियों में पीछे लगा होता है, यानी कि बैक साइड पे यूज होता है, जिसको कि हमने आगे फिट किया हुआ है। और इस टायर को कवर करने के लिए आप देख सकते हो कैसे कस्टम हैंडमेड मदर लगाया हुआ है। ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हो कस्टमाइज हैंडमेड बनाई जाती हैं। इसमें हमने लगाए हैं कस्टम अलॉयज, ये अलॉयज आप देख रहे हो आगे और पीछे दोनों चेंज किए जाते हैं। 19 इंच का अलॉय हमने इसमें लगाया है आगे, 19 इंच का अलॉय है आगे। आप देख रहे हो पूरा सेटअप जो आप ये देख रहे हैं थंडरबर्ड का, हमने चेंज किया है एक्सेप्ट दिस मीटर जो कि थंडरबर्ड में ऑरिजिनली रहता है, इसको थोड़ा सा पॉलिश किया है अच्छा लुक देने के लिए। और ये मीटर यूजुअली बहुत अच्छा रहता है, डिजिटल मीटर होता है, लुक अच्छा आता है, और क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएशन इसमें आते हैं, सारी चीज़ें इसमें दिखती है, तो हम इसको यूजुअली छेड़ते नहीं हैं। आप देखोगे इसका हेडलाइट हमने चेंज किया हुआ है, हेडलाइट डोम चेंज किया हुआ है, ये चीज़ें हमने इसमें चेंज की हुई हैं। इंडिकेटर आप देख सकते हो इसमें हमने आगे लगाए हुए हैं, डिफरेंट कस्टमाइज इंडिकेटर्स हैं। आप शायद सोच रहे हो कि दोस्तों नंबर प्लेट कहाँ इसकी रहेगी, तो हमने नंबर प्लेट के लिए फिटिंग दी हुई है, जिससे कि इसकी नंबर प्लेट आगे यहाँ पर लगाई जाएगी। आप आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें कस्टमाइज़ की हैं, ये सारी हमने हैंडमेड चीज़ें बनाई हैं। आप देख रहे हो इसका जो टैंक है, आप इसका शेप इसका चेक कर सकते हो, कितना यू नो डिफाइंड और रिफाइंड शेप है ये। और इस पर हमने किया है कस्टम पेंट जॉब, जो कि आर्टवर्क हमारा ये आप देख रहे हैं, फायर वर्क जिसको हम बोलते हैं, और इसका नाम इसीलिए हमने रखा है ब्लैक फायर। और इस टैंक की अगर आप पूरी डायमेंशंस को चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो ये ब्रॉड है यहाँ पे और ये टेपर में जाता है यहाँ पे, और टेपर ही है ये यहाँ पर भी, और दिस यू नो डिस्टेंस ये माइंडफुली यहाँ पे रखा गया है, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही रख दिया गया, जस्ट टू गिव इट अ गुड लुक। हम चाहें तो इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। टैंक के नीचे अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, ये साइड कवर्स को यूज़ किया गया है इंजन को हाइड करने के लिए और इसकी एस्थेटिक लुक्स को और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए।
ये दोनों ही साइड लगाए जाते हैं। इसकी फिटिंग आप देख रहे हैं हमने अंदर या इंजन के ऊपर की हुई है, दिस साइड एंड दिस साइड एज वेल। और इसके ऊपर ये कस्टमाइज प्लेट लगाई गई है, ये मेटल की प्लेट है जो कि क्रोम्ड की गई है। इसके इंजन को हमने पेंट किया हुआ है, ये जो पेंट रहता है इंजन पे, इसको वॉश करने के बाद इंजन का पूरा जो ऑयल की लेयर रहती है उसको हटाने के बाद किया जाता है। और देखेंगे इसके ओरिजिनल साइड कवर्स को रखा गया है और ये जो इसके कवर्स रहते हैं इसको भी रखा गया है, लेकिन इस पर कस्टम पेंट किया गया है जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी रिफाइन और अच्छा आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, कि क्या हम इसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं, तो यस यू कैन चेंज इट। और यहाँ इसमें भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इसको हटा के जो राउंड बॉक्स बैटरी फिटिंग रहती है वो भी लगवा सकते हैं, और उस तरह से कुछ और चीज़ें चेंज कराना चाहें तो उसके ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। इस तरह की और जानकारी लेने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर अपना नंबर छोड़ सकते हैं, हम वी कैन आर डिज़ाइन कंसल्टेंट्स विल कॉल यू बैक और आपके सारे ही क्वेश्चन के आंसर जो हैं हम आपको देते हैं। आइए आगे मैं आपको इस बाइक की बैक साइड के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हमने इस बाइक में करे हैं। आप देख रहे हो कि इसमें हमने लगाया है एक ब्रॉड टायर 140 mm का, आप पीछे से यहाँ से नीचे से देख सकते हो। और ये जो मदगार्ड है इस पर, इसका कुछ शेप जो है इस तरह से रखा जाता है कि यार ये इसका टायर अच्छी तरह से विजिबल हो, और ये इंस्पायर्ड रहता है, आप देख रहे हैं हार्ले स्टाइल जो रहता है उससे इंस्पायर्ड रहता है। इंडिकेटर ऑब्वियसली हमने आगे जैसे ही इसमें लगाए हैं, दीस आर हार्ले स्टाइल इंडिकेटर। एंड 15 इंच का अलॉय हम पीछे फिट करते हैं, ये 15 इंच का अलॉय है, यानी कि इसका डायमीटर जो है 15 इंच का रहता है। और ये हमने जो अलॉय फिट किया है ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो अलॉय है इसका अलाइनमेंट और इसके टायर चेन का अलाइनमेंट प्रॉपर इसमें रहता है। आप देख रहे हैं इसकी जो मदगार्ड की फिटिंग्स हैं, दोज फिटिंग्स आर हिडन इनसाइड इट, ये पीछे से इसकी फिटिंग की गई है, जैसे कि ऊपर से ये एकदम क्लीन लगता है, दैट इज द रीज़न द क्लीन वर्क इज विजिबल इन दिस। आप देख रहे हो इसकी जो सीट है, डुअल सीट रखी गई है, ये वाली सीट को मदगार्ड के ऊपर बेस बनाया गया है और ये सीट आगे इसकी लगाई गई है। इसका आप देख सकते हैं कितना हैवी विड्थ है, और अगर आप चेक करेंगे इस साइड आके बाइक के, अगर आप इस साइड आते हैं, अगर आप बाइक के इस साइड आके चेक करते हैं तो हम देख सकते हैं इसमें हमने लगाया है हमारा डबल बैरल एक्सेल एग्जॉस्ट। ये डबल एक्सेल का जो एग्जॉस्ट हमारा रहता है, एज एन एक्सेसरी भी ये एग्जॉस्ट हमारे पास अवेलेबल रहता है, आप अपनी बाइक में इसको अगर फिट करवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं करते, आपको सुनाते हैं इसकी साउंड सुनाते हैं दोस्तों आपको, किस तरह की साउंड इसमें आती है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह की हैवी साउंड का एग्जॉस्ट हमने इस बाइक में यूज़ किया हुआ है। इस तरह का एग्जॉस्ट आप अगर अपनी बाइक में लगवाते हैं, डायरेक्ट फिट करते हैं, तो भी आप इस तरह की साउंड अपनी बाइक में क्रिएट कर सकते हो। और आप चाहो तो ये एग्जॉस्ट एज एन एक्सेसरी भी हमसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी एज ए शिपिंग मंगवा सकते हो। मैं आपको एक बार इसके इंडिकेटर्स के बारे में भी बताऊँगा और इसको जला के भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर्स, और इसको हमने सिंक किया हुआ है आगे की, ये जो बार एंड लाइट हमने लगाई हुई है, आप देख रहे हैं इंडिकेटर भी जल रहा है और ये बार एंड लाइट भी जल रही हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मीटर क्यों नहीं चेंज करते, यहाँ ऑप्शन अगर रहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यू कैन सी द मीटर, हाउ गुड लुकिंग इज दिस मीटर। आप देख रहे हो इसमें इंडिकेटर रेफरेंस है, न्यूट्रल रेफरेंस है, लाइट का रेफरेंस है, ऑब्वियसली स्पीडोमीटर इज ऑल्सो देयर। और अगर हम थंडर बर्ड पे करें तो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द ऑयल गेज एज इन द पेट्रोल गॉज ऑल्सो इन दिस। तो अब शायद आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इस बाइक को बनाने में कितना खर्चा आता है। अगर आप अपनी बाइक कोई सा भी मॉडल हो, रॉयल एनफील्ड का, इलेक्ट्रा, स्टैंडर्ड, थंडरबर्ड, क्लासिक या ओल्ड मॉडल रॉयल एनफील्ड हो, और अगर आप इस तरह का लुक देना चाहते हैं तो क्या खर्चा आपको रहता है और कैसे आप घर बैठे बैठे अपनी बाइक को मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक को बनाने में लगभग कॉस्ट आती है 175,000 के आसपास,
नियर गिव एंड टेक। और अगर हम बात करें इसके टाइम की तो लगभग 45 दिन का समय हमें इसमें लगता है। और अगर आप घर बैठे बैठे अपनी बाइक को उस तरह का मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, हमारे को कॉल करके अपनी बाइक पिकअप करवा सकते हैं और हम आपकी बाइक को मॉडिफाई करके आपके घर पर डिलीवर भी कर सकते हैं। हम करते हैं सारा काम विद प्रोफेशनल पैकिंग और इन बिटवीन देते हैं हम आपको सारे अपडेट्स रिगार्डिंग द बाइक। और ऐसा ही नहीं कि आप केवल अपनी बाइक इस तरह से मॉडिफाई करवा सकते हैं, वी हैव लॉट ऑफ मॉडल्स टू चूज़ फ्रॉम। आप अपनी बाइक को काफ़ी सारी तरीके के डिज़ाइंस में बनवा सकते हैं और मॉडिफिकेशन की स्टार्टिंग हो जाती है मात्र 25,000 रुपीज़ से। अगर आपको ये बाइक पसंद आई हो और अगर इस तरह का ही कंटेंट आप देखते रहना चाहते हो तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कैसी बाइक्स और देखना चाहते हो, किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो और ये बाइक आपको कैसी लगी। अपना ध्यान रखिए, समय कुछ ऐसा है कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, तो आई एम श्योर कि आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप बाइकिंग, कीप राइडिंग।